नमस्कार दोस्तों, आगरा की रसोई में मैं वर्षा वर्मा आपके लिए लेके आई हूँ मुंबई स्टाइल पाव भाजी। पसंद आए तो लाइक शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम फूलगोभी, जिसको काट के मैंने अच्छे से धो लिया है। 250 ग्राम लिया है लौकी और 250 ग्राम कद्दू। दो मैंने ली हैं शिमला मिर्च और दो आलू लगभग 250 ग्राम है। तो सबसे पहले इन सब्जियों को हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले एक कुकर ले लेते हैं, कटा हुआ गोभी डाल देंगे इसमें और जो हमने सब्जियां काट के रखी लौकी और कद्दू इसे भी डाल लेते हैं। आलू को हम इस तरह से चार पीस में कट करके डालेंगे क्योंकि ये सब्जियों के साथ अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। शिमला मिर्च को भी इस तरह से कट करके डाल लेंगे। तो हमें इसको मैश करना है तो थोड़े छोटे पीसेस हम काट के इसमें डाल लेंगे। सब्जियां मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच करीब नमक और दो ग्लास पानी डाल देते हैं और ढक्कन लगाकर सब्जी को हम बॉईल कर लेंगे। दो से तीन सीटी आने तक सब्जियों को हम तेज गैस पर उबाल लेते हैं। सब्जी को मैंने तीन सीटी लगाकर उबाल लिया है और इसकी स्टीम भी निकल गई है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। सब्जी हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है तो अब इसे हम मैश कर लेंगे। सब्जी को अच्छे से मैश कर लिया है तो इसे साइड में रख देंगे। अब पाव भाजी बनाएंगे। पाव भाजी की भाजी बनाने के लिए एक कढ़ाई रख ली है, उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे और दो चम्मच अमूल बटर डाल देते हैं और इसे हम गरम कर लेंगे। घी और बटर अच्छे से गरम हो गया है तो दो प्याज बड़ी कटी हुई, दो हरी मिर्च और सात आठ कलियाँ लहसुन की और एक इंच अदरक जिसे ग्रेट करके लिया है तो इन सभी को इसमें डाल देते हैं और इसे हम बराबर चलाते हुए तीन से चार मिनट भून लेते हैं। प्याज और हरी मिर्च को मैंने तीन से चार मिनट भून लिया है तो ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसमें ये चार कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ और टमाटर के साथ ही 100 ग्राम करीब फ्रोजन मटर लिए तो मटर को भी डाल देंगे। और अब डालेंगे इसमें मसाले। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच से थोड़ा कम नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब लिया है पाव भाजी मसाला तो यहाँ दो से तीन चम्मच पाव भाजी मसाला डाल देंगे, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और पाव भाजी मसाला डालकर सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बढ़िया से इसे हम भून लेते हैं। तो सब्जी के मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं तो जो सब्जियां मैश करके रखी हैं उसे इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो पाव भाजी की सब्जी को मैंने मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद पाँच मिनट इसे और पका लेंगे। तो अगर आपको लगे हमारी पाव भाजी का कलर थोड़ा पीला है तो इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर सकते हैं। तो पाव भाजी की सब्जी को मैंने देखिए पाँच मिनट पका लिया है, एकदम बढ़िया सी सब्जी बन के हमारी तैयार है। अगर आपको नमक थोड़ा कम लगे तो चेक कर सकते हैं और ऐड कर लें। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम पाव सेक लेंगे तो यहाँ मैंने दो चम्मच करीब बटर डाल दिया है, थोड़ी सी पाव भाजी डाल लेंगे और थोड़ा सा डाल लेते हैं हरा धनिया। अब पाव को रख देंगे और इसे अच्छे से इस तरह से सेक लेंगे। तो दोनों पाव को रख के मैंने इस तरह से सेक लिया है, पलट लेते हैं और अच्छे से सेकने के बाद इसे हम सर्व कर लेंगे। तो पाव भाजी को सर्व कर लेते हैं तो बहुत ही टेस्टी पाव भाजी बन के तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।